अच्छा जी, अजकल ना हर बंदे दे मुंह च इक्को ही गल है कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करता, अग लाती। ओ मैं ना तुसी पेट्रोल पवाना ही छड़ दो खां, मर चलियो। बंदा सिर्फ रोटी खाण तो बगैर मरदा, पेट्रोल पवाउण तो बगैर नहीं। अज तो 8-10 साल पिछे चल जाओ, 20 साल पिछे चल जाओ, पेट्रोल तो बगैर जिंदगी बसर नहीं सी हुंदी। साडी ना आवाम जिहड़ी चीज़ महंगी होवे ना उहदियां लैणा लग जांदियां। मैं ना अज तो 10-15 दिन पहले ना पेट्रोल पंप तो ना डीजल लैण गया। डीजल दी जरूरत सी, उत्थे गया एक पेट्रोल पंप ते 15-20 बंदियां दी ना लैण लगी हुई। जदों मैं 15-20 बंदियां दी लैण देखी, मैं कहा यार की माजरा वा। वह कहिंदा जी डीजल 2 दिनां बाद महंगा हो रहा। मैं अगले पेट्रोल पंप ते चला गया। अगले पेट्रोल पंप ते गया ते उत्थे भी लैण लगी हुई। मैं कहा यार ये की चक्कर है, कहण सिर्फ 10 लीटर डीजल देना, इस तों वध नहीं देना, क्योंकि डीजल कल नूं या परसों नूं महंगा हो रहा। गल करन दा मकसद है कि चीज़ 2 रुपए महंगी होनी होवे ना, साडी वाम दियां लैणा लग जांदियां। अगर वह ना भी महंगी होनी होवे ते फिर भी महंगी हो जांदी आ। ते यकीन करो 2 दिन बाद डीजल नहीं महंगा होया, लेकिन वाम ने अपने अंदर भर ले लैके स्टाक कर लिया। मार्केट चो दी कीमत ऐटोमैटिक तां जानी सी। वह मैं ना जदों कोई चीज़ महंगी हुंदी ना उहदा बाइकाट कर दिओ। हर बंदे ने वह गल सुनी होएगी कि अज तो 8-10 साल या 20 साल पहला चीन दे विच चीनी या कोई चीज़ महंगी हो गई सी। उन्होंने 2 दिन लई, सिर्फ 2 दिन लई पूरे मुल्क ने उस चीज़ का बाइकाट करता। दस दे कि 2 दिनों बाद वो चीज़ रोड़ां ते पई सी, फ्री नहीं सी कोई लै रहा। गल करन दा मकसद यह कि 3 दिन तक मैं अपनी आवाम अगे अपील करदा, 3 दिन तक कोई बंदा पेट्रोल ना पवावे। यकीन करो पेट्रोल सड़कों पर आ जाएगा, 50 रुपए लीटर ना हो जाए तो क्यों, लेकिन साडी आवाम होर ज़्यादा पवाती आ, बेमतलब फजूल खर्च करती आ। महंगा तो अपने आप ही होना, चलो हुण।